रामपुर जिले का दुर्घी गांव आज भी बिजली पानी और आंगनबाड़ी जैसी मूलभूत सुविधाओं के लिए जूझ रहा है। नेताओं के इस गांव में रहने वाले लोगों की याद सिर्फ तब आती है जब इनके वोट लेने होते हैं और उसके बाद कोई नेता यहां पलटकर भी नहीं आता। दुर्घी गांव में प्रशासन ने एक हैंडपंप तो लगवा दिया था लेकिन बीते एक वर्षों से हैंडपंप खराब हो चुका है जिसके कारण कुएं का गंदा और दूषित पानी पीने को ग्रामीण मजबूर हैं। दुर्घी गांव में करीब 20 से 25 घर ऐसे हैं जहां आज भी स्कूल बच्चे लालटेन और दिए की रोशनी से अपनी पढ़ाई करते हैं तो कुछ बच्चे तो अपनी पढ़ाई ही छोड़ चुके हैं। ये हालत तब है जब क्षेत्र विधायक का घर गांव में महज 3 किलोमीटर दूर पर है। जब स्वराज एक्सप्रेस ने इस गांव की समस्या के बारे में SDM से बातचीत की तो जल्द स्थिति में सुधार लाने की बात उन्होंने कह दी लेकिन सवाल ये है कि आखिर स्थिति कब सुधरेगी। लाइट बजी भी तो नहीं है अभी करंट भी तो भले है जो नहीं आया है कहता है जो वोट लेने के आता है तो कहता है जो देंगे इसीलिए नहीं फिर नहीं नीला भी नहीं है हमारे यहाँ गंदा पानी पिए चपाकल का पानी पिए चपाकल मर गया है। और ज्यादा जानकारी के साथ थोड़ा सा होता सुनील पासवान पोलैंड से जुड़ गए। सुनील तमाम तरह की यहाँ पर सुविधाएं लोगों को नहीं मिल पा रही हैं आजादी के इतने साल बाद भी जो मूलभूत सुविधाएं हैं वो नहीं मिल पा रही हैं क्या हालात नजर आए। जी मैं बताना चाहूंगा कि रामानंद शहर से लगभग 3 किलोमीटर की दूरी पर बसा हुआ है गांव लुर्गी जो आज आजादी के 72 साल बाद भी वहां जो मूलभूत सुविधाएं होती हैं जैसे बिजली पानी सड़क और बच्चों को पढ़ने के लिए आंगनबाड़ी तक भी वहाँ देखने को नहीं मिल रही है जिसमें और ग्रामीणों से बात करने पर यह भी पता चला कि जिस समय चुनाव होती है उस समय बड़े बड़े नेता लोग आते हैं वादे करते हैं लेकिन आज तक जब चुनाव जीत कर जाते हैं इसके बाद कोई वहाँ सुध मारने तक नहीं पहुँचता है। और बात सामने आई कि महज 3 किलोमीटर की दूरी पर ही विधायक साहब का घर है लेकिन इन ग्रामीणों ने कितनी बार शिकायत की और विधायक साहब ने कितनी बार संज्ञान लिया और अगर शिकायत उन्हें मिली तो क्या आश्वासन दिया गया। जी ग्रामीणों का कहना है कि हमने विधायक से कई बार शिकायत किया है लेकिन आश्वासन पर आश्वासन मिलते रहता है कि आपकी काम वहाँ बिजली सड़क सारी चीज व्यवस्था हो जाएगी लेकिन अभी तक विधायक की तरफ से कोई पहल नहीं की गई है। सवाल सिर्फ एक चीज का अगर होता है या एक सुविधा को लेकर के होता तो फिर भी समझा जा सकता था कि किसी एक चीज को सुधारने में या व्यवस्था करने में वक्त लग सकता है लेकिन इतनी सारी सुविधाओं में से एक भी सुविधा विधायक साहब मुहैया नहीं करा पाए हैं वहाँ के ग्रामीणों को। जी वहाँ के ग्रामीणों को अभी तक किसी प्रकार की कोई मुहैया प्राप्त नहीं हो पाई है जिससे कि ग्रामीण चाहेंगे। इस वक्त हमारे साथ फोनलाइन पर एक्जिम साहब फोनलाइन से जुड़ गए हैं। अजय किशोर जी बहुत स्वागत है आपका। अजय किशोर जी जैसे मूलभूत सुविधाओं को लेकर तरस रहे हैं ग्रामीण बलरामपुर के और विधायक साहब से भी शिकायत की गई लेकिन नतीजे से पर ही रहा प्रतिक्रिया पहले आपकी। जी इस संबंध में मुझे अभी जानकारी मिली है और मैंने को वहाँ पे मौके पर देख के जांच रिपोर्ट तलब किया हुआ हूँ जैसे जांच रिपोर्ट आती है तत्काल आवश्यक कार्रवाई जाएगी। लेकिन काफी समय बीत चुका है आजादी से लेकर अभी तक सरकार आई और चली गई लेकिन हम पिछले कार्यकाल की भी बात नहीं करेंगे महज कुछ दिनों की अगर बात करेंगे साल भर की भी अगर बात कर लेंगे तो कई बार शिकायतें की गई हैं लेकिन इतना वक्त क्यों लग रहा है। मूलभूत सुविधाएं तो कम से कम इन ग्रामीणों को मिलनी चाहिए। जी आप कितनी बार निरीक्षण करने के लिए पहुंचे थे। एक सप्ताह के भीतर कार्रवाई करा ली जाएगी। जी एक सप्ताह के भीतर आवश्यक कार्रवाई करा ली जाएगी उसमें जो भी स्थिति है। चलिए उम्मीद हम करते हैं कि इन ग्रामीणों को मूलभूत सुविधाएं कम से कम मिल पाए एक सप्ताह के भीतर जैसे कि आपने आश्वस्त किया है कि कम से कम जल्द ही निरीक्षण किया जाएगा और वहां का जायजा लेने के बाद इन ग्रामीणों को मूलभूत सुविधाएं मिल पाएंगी। बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। कांकेर पुलिस